नमस्कार। अभी इस समय हम एक ही छोटे से इशू पर बात करना चाह रहे हैं, दैट इज़ ऑन आस्किंग फॉर हेल्प बाय ए विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन टू बी एस्कॉर्टेड है ना बाय ए साइटेड पर्सन। आप किसी भी दृष्टिवान व्यक्ति से अपने आप को साथ में चलने के लिए या गाइड करने के लिए है ना किस तरह से हेल्प मांगेंगे, और व्हेन टू आस्क एंड हाउ टू आस्क, ये दो मुख्य बातें हैं। इस पर हम थोड़ा विचार कर लेते हैं। यहाँ आप देखें कि इसमें कोई शक नहीं है कि जिसको आवश्यकता होती है वो हेल्प मांगता है। तो इस तरह से दृष्टिबाधित व्यक्ति की ये मतलब बारी बनती है कि वो हेल्प मांगे। लेकिन यहाँ फिर हम आपको बताना चाहेंगे कि जब कभी भी हम किसी दृष्टिबाधित व्यक्ति को देखें, मैं बात कर रहा हूँ दृष्टिवान लोगों के लिए, जब कभी भी कोई दृष्टिवान व्यक्ति किसी दृष्टिबाधित व्यक्ति को देखे सड़क पर या किसी ऐसी जगह पर कि जहां आपको देख के लग रहा है कि अभी इनको कुछ सहायता की आवश्यकता हो सकती है, तो चूंकि वो दृष्टिबाधित है हो सकता है आपको नहीं देख पा रहा और कोई ऑडिटरी क्ल्यू भी नहीं है कि आसपास सराउंडिंग उनके कोई हेल्प है भी या नहीं है, तो हर समय हमको हेल्प ऑफर करनी चाहिए है ना। मे आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, इस तरह से साइटेड पर्सन को आगे आना चाहिए। और तो व्हेन टू आस्क फॉर हेल्प का मतलब ये है कि जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि इस व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए आपने देखा कि सड़क किनारे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है ना, तो ये तो वो बस का वेट कर रहा होगा स्टेशन पे, या कि वो सड़क क्रॉस करना चाह रहा होगा, तो देखने से पता चल जाता है कि इनको सहायता की आवश्यकता है। तो यू ऑफर योर सेल्फ, साइटेड पर्सन को वहाँ पर ऑफर हेल्प करनी चाहिए। एक बात यहाँ पर और ध्यान रखेंगे, आपकी हेल्प को दृष्टिबाधित व्यक्ति ले या ना ले ये उसका निर्णय है। मैं गया जी आपको सहायता चाहिए, उन्होंने कई बार मना कर दिया, जी नहीं चाहिए सहायता हम अपना काम कर सकते हैं, है ना, कई बार ऐसे रूखे अंदाज में भी मना कर दिया, तो आपको उसमें फील नहीं करना है कि जी मैं तो गया था हेल्प करने और इन्होंने ऐसे बोला। हेल्प स्वीकार करना ये हम दृष्टिबाधित व्यक्ति का निर्णय होगा। कई बार ऐसा होता है कि उनको मालूम है मैं परिचित जगह में जा रहा हूँ, वहाँ मुझे हेल्प की आवश्यकता नहीं है, तो वो हेल्प नहीं लेते है ना। तो यदि लेना चाहेंगे तो वो आपको कहेंगे हाँ जी आप मुझे थोड़ा हेल्प कर दीजिए उधर जाने के लिए, पार करने के लिए, या जो भी बात होगी। तो हेल्प कब आस्क, मतलब कब पूछनी है, कब करनी है, लेने के लिए कब पूछना है, तो वेन एवर यू सी ए ब्लाइंड पर्सन इन नीड ऑफ हेल्प, देन यू गो एंड ऑफर हिम योर हेल्प, तो आप उसको अपनी हेल्प को ऑफर कर सकते हैं। और कैसे करना है फिर, तो कैसे करने के लिए आपको जैसे बताया गया कि साइटेड गाइड टेक्निक जो है ना, तो वहाँ आप उसका ध्यान रखिए है ना, और उनको सुरक्षित रखिए, दृष्टिबाधित व्यक्ति को सुरक्षित रखा जाए। आप देखते हैं जब कभी भी हम मूव करते हैं तो अक्सर लेफ्ट हैंड ड्राइव कहा जाता है, तो बाईं तरफ हम लोगों को चलना चाहिए है ना, तो फिर उस व्यक्ति को बाईं तरफ रखिए, खुद दाईं तरफ रहिए, तो थोड़ा सेफ्टी रहेगी है ना। इस तरह से आप तमाम बातों को ध्यान में रख सकते हैं, और कोशिश करिए कि दृष्टिबाधित व्यक्ति की गति से आप चलिए। जब कभी भी आप किसी दृष्टिबाधित व्यक्ति को एस्कॉर्ट करते हो तो उसको ये नहीं महसूस होना चाहिए कि हमको खींचा जा रहा है या कि ये व्यक्ति बहुत ही धीमे धीमे चल रहा है। थोड़ा सा साइटेड पर्सन के साथ दृष्टिबाधित व्यक्ति की आपस में सामंजस्य मोबिलिटी पर्पज़ के लिए यही होता है कि भाई वो चलते समय दोनों लोग कंफर्टेबल फील करें। तो यही सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी के अपने हाथ का कोहनी के ऊपर का हिस्सा आप दृष्टिबाधित व्यक्ति को पकड़ने देंगे है ना, वो उसको वहाँ से पकड़ के और आपके एक कदम पीछे रहते हुए चलेगा। तो इस तरह की तमाम बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये है कि आप कब कैसे एक दृष्टिबाधित व्यक्ति की उसकी गम्यता के लिए, चलिष्णुता के लिए, मोबिलिटी के लिए सहायता करेंगे। धन्यवाद।